कंस्ट्रक्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। न्यू रेलवे लाइंस इन नॉर्थ ईस्ट। आगे बढ़ने से पहले नए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। भारत पर दबाव बनाने के लिए अरुणाचल सीमा तक सियाचिन तिब्बत रेलवे लाइन जो चाइना द्वारा बिल्ड किया जा रहा है ताकि वह स्ट्रेटेजिक रूप से स्ट्रांग हो जाए। यह हाई स्पीड रेलवे लाइन बनने के बाद 12 से 13 घंटे में अरुणाचल बॉर्डर तक चाइना पहुंच पाएगा, जिससे भारत को काफ़ी खतरा हो सकता है। इसे देखते हुए भारत भी 3 रेलवे लाइन जो अरुणाचल में बनाया जाएगा, जो भालुपोंग टेंगा तवांग 378 किलोमीटर का होगा। दूसरा लखीमपुर बामे सीला पत्थर होगा, जो कि 248 किलोमीटर का होगा। तीसरा पासीघाट तेजू परशुराम खुंड रूपसी तक 227 किलोमीटर का बनाया जाएगा, जो आप इस मैप में देख सकते हैं। वर्तमान में रंगिया मिसामारी रंगापारा और मारकन सिलेक तक सिंगल लाइन ब्रॉड गेज बनाया जा चुका है, और इससे आगे तवांग तक ये सारा रेलवे लाइन बनाया जाएगा, जो 378 किलोमीटर का होगा। आलूपोंग जहाँ पर मारकन सिलेक रेलवे स्टेशन बनाया गया, उससे आगे तवांग तक ये पूरा रेलवे लाइन बनाया जाएगा, जो कि चाइना बॉर्डर समीप है, जिससे हमारे देश के सेना वहाँ तक मिलिट्री ट्रूप जल्द से जल्द पहुँच पाए। यह सारा प्रोजेक्ट बनने के बाद बेहतर कनेक्टिविटी हो पाएगी, और साथ ही चाइना बॉर्डर तक जल्द से जल्द इंडियन आर्मी पहुंच पाएगी, और यहाँ के लोगों को भी बेहतर कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ इंडिया से मिल जाएगी। यह प्रोजेक्ट बनाने में बहुत सारे टनल्स का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि ये सारा माउंटेन रेंज है, हिमालयन रेंज है। इस सारे प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर लंबा एक टनल बनाया जाएगा, जो कि सबसे लंबा टनल होगा, और ज़्यादातर पार्ट यह सारा टनल से ही होकर के रेलवे लाइन गुजरेगा, जो कि अरुणाचल में बनाया जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और रोड ना होने के कारण 1962 में हमें वॉर में काफ़ी दिक्कत हुई थी, और चाइना तेजपुर तक पहुंच गया था। यही सब को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार काफ़ी बेहतर कनेक्टिविटी अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट में दे रही है, ताकि यहाँ बेहतर कनेक्टिविटी हो पाए और वार के समय जल्दी से जल्द हमारा मिलिट्री ट्रूप बॉर्डर तक पहुँच पाए। यह सारा प्रोजेक्ट बनने के बाद अरुणाचल और पूरे नॉर्थ ईस्ट को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ गुड्स और सर्विसेज जल्दी पहुंच पाएंगी, और साथ ही में मिलिट्री ट्रूप्स भी ट्रेन्स के द्वारा पहुंच पाएंगे, और उनके सारे आर्टिलरी और जितने भी इक्विपमेंट है जल्द से जल्द वॉर के समय बॉर्डर तक पहुँच पाएंगी। अरुणाचल एक पहाड़ी स्टेट होने के कारण बर्फबारी के समय ये रेस्ट ऑफ इंडिया से कट जाता है, और यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज नहीं पहुँच पाता है, जिससे यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज के दाम काफ़ी हाई हो जाते हैं, और काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यह सारे रेलवे लाइन बन जाने से गुड्स और सर्विसेज के दाम कम होंगे, साथ ही यहाँ का इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, और यहाँ के जो भी गुड्स है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में सेल हो पाएंगे। साथ ही टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ पर बूस्ट कर सकता है अगर सरकार ध्यान दे तो, और यह काफ़ी बेहतर टूरिस्ट प्लेस बन सकता है लोगों के लिए। यह सारे प्रोजेक्ट का DPR बन के तैयार हो चुका है, बस फंडिंग की ज़रूरी है, और ये सारे प्रोजेक्ट पर काम चालू हो जाएंगे। नॉर्थ लखीमपुर जो असम में है, वहाँ से सीला पत्थर तक रेलवे लाइन बनी हुई है, और वहाँ से बामे जो अरुणाचल में वहाँ तक रेलवे लाइन बनाई जाएगी। तेजू एयरपोर्ट जो अरुणाचल में बनाया गया है, वहाँ से पासीघाट अरुणाचल तक रेलवे लाइन बनाई जाएगी। चाइना काफ़ी तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो हमें भी जल्द से जल्द ये सारा प्रोजेक्ट बन करके तैयार कर लेना चाहिए, ताकि हमारे देश की सुरक्षा में कोई कमी ना हो। तो ये वीडियो करते हैं यहाँ पर ख़त्म। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद।